वाह भाई वाह, मेरे तो सारी तो मजे की होगी भी इंशाल्लाह। था ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजे का बना है, लजीज जायका है। कोई इसमें इतना देखे लहसुन अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये चीजें डाली जो आपने देखी है, और इसी तरह आपने बनाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोतियों पोतों को, नवासियों नवासों को, पर नवासे नवासियों को, सब के लिए मैं लाई हूँ सैरी के लिए आलू के कतले, जो के बहुत मज़े के बनेंगे और इतने बेहतरीन बनेंगे, वो वाले लेके आई हूँ, ताकि आप लोग पराठा पकाएं, पराठे से खाएं, और फिर आपका पेट दिन भर में कोई आपको ये ना वाजत नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, और मज़े के लगेंगे और नुकसान भी नहीं देंगे। ये देखें, ये मैंने 3 पाव आलू लिए, इनको मैंने इतना पतला पतला छीला है, ये देख रहे हैं इतना पतला पतला छीला है, ये 3 पाव आलू है। और अब मैं इसमें ये तेल डाल रही हूँ सरसों का, ये देखें मैं सरसों के तेल में ही पका रही हूँ। ये देखें, ये 1 चम्मच बड़ा मैं इसमें ये जीरा डाल रही हूँ पहले। ये देखें थोड़ा थोड़ा चिटक रहा है, अब ये चिटक रहा है, चिटकने दूँ थोड़ा सा और, जब तक मैं आपको ये बताऊँ कि ये मेरी 15 से 20 मिर्चें हैं बारीक बारीक काटी हुई हैं। ये देखें, ये मैं इसमें डालूँगी, बिल्कुल तिक्खी हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है पर तिक्खी हैं, क्योंकि इसमें सुरख मिर्ची नहीं डलेगी, यही डलेंगी, इसी का जायका आलमों में आएगा। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये इसी यही भुनी जाएंगी और यही इसी का जायका भी आएगा और यही मज़े की होंगी। लाल सुरख मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी। मैंने कहा आप लोगों के लिए इफ्तार के तो कर ही रही हूँ आस्ते आस्ते, पर सैरी के लिए भी कुछ बनाऊँ। अभी पराठे भी मैं सोच रही हूँ, आपको पराठा भी बताऊँगी, ताकि जो सैरी को वो बना के रख देंगे और सैरी को उठे और तवे में डाला और खाया। अब ये देखिए हल्की हल्की सी हो रही है, इनको फुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का रखना है। अब ये देखें, एक ये दरमियाना प्याज है, ये देखें एक दरमियाना प्याज है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनना है, एकदम सुरख इस प्याज को भी नहीं करना, हल्का हल्का। इसी के साथ मैं अब ये आलू डाल रही हूँ, ताकि इसी के साथ साथ ये आलू भी फ्राई होंगे। ये 1 चम्मच नमक डाला, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक डालना कि आपने कितना खाते हैं, हम लोग कम खाते हैं, उन्हें ज़रा थोड़ा कम डाला। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है, यहाँ तक कि छक्का भी नहीं डालना, इसको इसी तरह से भून भून के हमने दम में पकाना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और ये जब सैरी को खाएंगे पराठे के साथ ना, फिर आप देखना कि कैसा मज़ा आएगा, और ज़रूर आपने फिर मुझे बताना है पका के कि हाँ दादी पराठे के साथ वाकई मज़े का लगा है, खूब ज़्यादा रोटी खाई है, ज़्यादा 1-2 पराठे खा लिए। देखिए इनकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। इसमें इतना कुछ नहीं डाला बस, अब इसको थोड़ा दम दे देते हैं, 5 मिनट इसको दम देते हैं। ये देखिए यहाँ माशाल्लाह कितना मज़ा लग रहा है, और अब इसमें मैं ये, अब इसमें ये 2 टमाटर है, ये डाल लें। बस ये देखिए इसी, इसमें कोई पानी कोई कोई चीज़ नहीं डाली, इसी दम में पकेंगे।
देखिए कितने प्यारे लग रहे छक्कर, दिल चाह रहा है कि बस सहरी होगी और फिर हम पराठे से खाएंगे। आज तो वैसे ही हम पाप खाएंगे। ये देखें साइडों से ये सब गल गया, ये बीच में से ये थोड़ा सा ये रहता है बस। अब उसके बाद ये इसको मैं उतार दूँ। माशाल्लाह शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। अब इसको थोड़ा सा और दम दें। ये देखें तो मैथों ने भी थोड़ा पानी छोड़ दिया है और मेरे ख्याल में आलू भी गल गए। वाह भाई वाह, क्या मज़ा आ रहा है। खैर अब देखती हूँ एक आलू चेक करके। थोड़ी सी कसर है कि एक दो मिनट की बस, इंशाल्लाह उसके बाद बिल्कुल गल जाए। एक दो मिनट और इसमें ये जी मुझे लगता है कि अब ये हो गए तैयार। ये देखो अब मैं इसमें खूबसूरती के लिए डेकोरेशन पीस रख रही हूँ। टमाटर देखें कितने प्यारे लगेंगे, सुरख सुरख। ज़हर ये चीज़ अच्छी लगे, प्यारी लगे, फिर वो खाने को दिल भी करता है। अब ये इसमें थोड़ा सा ये धनिया भी डालो। ये धनिया मेरे अपने घर का था, चलो आप लोग बाज़ार से लाना, क्योंकि आजकल वैसे भी काफ़ी बाज़ार में भी सही मिल रहा है धनिया। ये देखें ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, आप देख रहे हैं। और ये देखें वाह भाई वाह, आलू मेरे तो सारी तो मज़े की होगी भी इंशाल्लाह। था देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, रंगीन रेड वाइट तीनों चीज़ें इसमें मिल गई और प्यारी लग रही है और खाने पे भी दिल चाह रहा है। और इंशाल्लाह खाने पे आप लोगों को भी दिल चाहेगा। आपने ज़रूर बनाना है और इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से आपने मुझे कमेंट करना। और मैंने देखे इसमें एक पानी का एक छींटा भी नहीं डाला, बगैर पानी के इसको मतलब भून के पकाना है, वैसे नहीं पकाना। ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। अब सहरी में ऐसे ही बनाएं और ऐसे ही खाएँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। मैंने अभी पराठा पकाऊंगी तो खाऊंगी, वैसे मैं आपको चख के बता देती हूँ कि कैसा है और आप लोग चखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि कैसा मज़े का। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का बना है, लजीज जायका। कोई इसमें इतना देखे लहसुन अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ यही चीज़ें डाली जो आपने देखी और इसी तरह आपने बनाना है इसको। और लाजमी बनाकर फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि बताएं सारे में पकाया कैसा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।